असलमकम एवरी वन आई होप यू आल आर डूइंग वेरी वेल वेलकम बैक टू स्टडी स्टूडियो बाय लारे बाज़ू आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकायद और कान इस्लाम यानी इनके बारे में हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं वो एम सी क्यूज़ में से लिए गए हैं जो कि पास्ट एम सी क्यूज़ थे सो मैं आपको बताती जाऊँगी जो जो रिसेंटली एम सी क्यूज़ लिए गए हैं अभी जो बी पी एस नाइन की टेस्ट हुई थी उससे सो so, हम स्टार्ट करते हैं दीन इस्लाम दो अज्जों पर मुश्तमिल है सबसे पहला अज्जा अकायद और दूसरा अमाल अब अकायद क्या होते हैं अकीदा का लुभ भी मायना ग्रह बांधना है ठीक है अब जैसे हम किसी रस्सी में ग्रह बांध देते हैं मजबूती से तो इसी तरीके का अक़ीदे का भी है अब हमारा अकदा अल्लाह तला पे हमारा यकीन अल्लाह तला पे तो हम क्या करते हैं उसी के मुताबिक अमाल करते हैं अब हम क्या करेंगे नमाज़ पढ़ेंगे कुरान पढ़ेंगे यानि ये हमारे अमाल तो अकीदे के बाद जो हम उसके मुताबिक करते हैं काम वो होते हैं हमारे अमाल तो दीन इस्लाम इन दोनों पर मुश्तमिल अब बताए इस्लाम के बुनियादी अकायद जो हैं वो सात हैं अब इन सातों पे ही हमें ईमान रखना होता है हमें यकीन रखना होता है मानना होता है अगर इनमें से किसी भी एक अकैदे के लिए हमने इनकार किया तो हम दीन इस्लाम से खारिज हो जाएंगे सबसे पहला आता है ईमान बिल्ला यानी तोहीद अल्लाह पर यकीन अल्लाह को एक मानना उस पर यकीन रखना कि वही है वही एक के उसमें शर्क ना करना यह होता है और दूसरा है ईमान बिल रसूल यानि रसालत पर ईमान हमारे जितने भी रसूल हैं नबी हैं उन पर ईमान रखना अब आता है ईमान बिलमलका अल्लाह ताला के मलाइका पर ईमान रखना फिर ईमान बिलकुतुब आसमानी किताबें चार है उन चारों पर ईमान रखना फिर ईमान बिल आखरत आखरत के दिन पर ईमान रखना छोटा तकदीर अपनी तकदीर पर ईमान है मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान यानी इन सब पर ईमान रखना जो है वो ज़रूरी है एक से भी इनकार किया तो इंसान ख़ारिज हो जाएगा दीन इस्लाम से अब हम बात करते हैं तोहिद की तीन अकसाम यानी अल्लाह पे यकीन रखने जाँग की तीन अकसाम अल्लाह को एक मानने की सबसे पहले तोहद यानी अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखना कि उसकी ज़ात एक ही है उसके बाद है तोहद सिफात अल्लाह ताला की तमाम सिफातों पर यकीन उसके बाद है तोहद अफ़ाल अल्लाह ताला के जो भी काम है उन सब पे यकीन रखना अल्लाह ताला यानी जो भी करता है वो सही करता है उसकी सिफात में भी किसी को शरीक ना ठहराना उसकी ज़ात में भी नहीं उसके बाद है शर्क की तीन है अब शिरक कैसे कहते हैं हम ये देख लेते हैं यानी अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक ठहराना कुरान पाक में शिरक को बहुत बड़ा जुल्म करार दिया गया है बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है अब शर्क की भी तीन है सबसे पहले शर्क ज़ात यानी अल्लाह ताला की ज़ात में शिरक करना किसी को उसकी ज़ात के साथ ठहराना दूसरा है शिरक फिल्सफ़ात यानि अल्लाह ताला की सिफातों में किसी को साथ ठहराना तीसरा आता है शिल्क फिर इबारा यानी अल्लाह ताला के अलावा किसी और की भी इबादत करना फिर आते हैं जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है फ़रिश्ते नूर से बने हुए हैं जो चार मशहूर और चार अहम फरिश्ते हैं वो सबसे पहले आते हैं हज़रत जब्राहलम इनका काम है अम्बिया के पास वही का पैग़ाम लाना यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो भी पैगाम आते हैं वो वही होती है तो वो वही का पैगाम हजरत इब्राही सलाम अम्बिया के पास लेके आते है उसके बाद है इसराफील इसराफील का काम है सूर फूकना अब हज़रत इसराफील जो हैं वो क़यामत वाले दिन सूर फूकेंगे तब दोबारा सब मुसलमान जिंदा होंगे उसके बाद है इसराइल अब इसराइल का काम है रूह कब्ज़ करना यानी हम जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो हज़रत इज़राइल अलैहि सलाम जो है वो उनकी रूह कब्ज़ करते हैं फिर आता है हज़रत हैज़र अलैहि सलाम अब अलैहि सलाम का जो काम है वो है बारिश बरसाना और खाने का बंदोबस्त करना जिब्राइल अलैहि सलाम को कुरान में रूहुल रूहलकुदूस रूहुल अमीन और मालिक करीम कहा गया है यानी इन नामों से जिब्राइल अलैहि सलाम को कुरान पाक में पुकारा गया है दो तो अहम फरिश्तों के नाम कुरान पाक में आए हैं हज़रत जब्राईल आलम और हज़रत मिकाइल आल् हज़रत जब्राई सलाम का जिक्र चार आयतों में चार मरतबा आया है हैत मिकाइल सलाम का मुझे कन्फ़र्म नहीं मैं कन्फ़र्म करके आपको किसी और वीडियो में बता दूँगी और हज़रत मिकाइल का, का काम था बारिश बरसाना और खाने का बंदोबस्त करना जबकि हज़रत ज़ब्राइल का काम था वही पहुँचाना अब आते हैं इनके अलावा भी कुरान पाक में दो और फरिश्तों का नाम है हारूत और मारूत अब हारूत और मारूत जो हैं इन्हें बाबल शहर में नाजिल किया गया था ठीक है अगर आजा अज मिकाइल और अजर इब्राहल के अलावा दो और कौन से फरिश्ते हैं जिनका कुरान पाक में जिक्र है तो वो ये हारूत और मारूत अब आता है जन्नत का जो निगरान है जन्नत का जो रखवाल है उसका नाम है रिजवान जबकि जहनुम के निगरान का नाम है मालिक दौर फरिश्ते मुनकर और नकीर ये हमसे कबर में सवाल करेंगे यानी इंसान मरने के बाद जब कबर में दाखिल होगा तो दो फरिश्ते आते हैं मुनकर और नकीर ये दोनों सवाल करते हैं दो और फरिश्ते हैं जिनका नाम है करामन कातबैन अब ये हमारे आमाल दर्ज करते हैं जो कि हमारे सीधे और उल्टे कांधे पर बैठे होते हैं एक का नाम होता है करामन दूसरे का कातबैन ये हमारे आमाल दर्ज कर रहे होते हैं तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि जनरल था इसके अलावा अकायद इस्लाम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अरकान इस्लाम और अकायद में क्या फ़र्क है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और ये आज का जो था वो एम पॉइंट ऑफ व्यू से था और पास में एम थे अगर आपको समझ ना आया हो तो आप फिर भी पूछें